महिला काव्य मंच मन से मंच तक के कार्यक्रम आज क्या हो रहा है हमारे दर्शकों को बताइए। आपका स्वागत है ग्लोबली न्यूज में। जी मैं रितु गर्ग, गृहिणी, समाजसेवी, साहित्यकार। आज महिला काव्य मंच के अंतर्गत पुस्तकों का लोकार्पण हुआ सनातन शक्ति सब समंदर, जिसमें मेरी स्वरचित भगवान श्री राम पर समर्पित सभी रचनाएं उसमें संकलित हैं। सनातन शक्ति, सनातन शक्ति के माध्यम से हर राम भक्त, हर व्यक्ति के हृदय में प्रेम की अलग जगाना है, हर हृदय को भक्तिपूर्ण बनाना है, जिससे वह उसके मन में सौहार्द रहे, प्रेम की भावना जागृत हो। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। और वह देश प्रेम में भरता हुआ देश के लिए अच्छे कार्य करे, धर्म और संस्कृति की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है। हम जब बीज जमीन में जैसा डालेंगे वैसा ही वृक्ष बनेगा, तो सनातन शक्ति के माध्यम से हमने वही पुष्प उगाने की कोशिश की है, जो कि मानव हृदय तक पहुंचेगी, उनके हृदय में प्रेम की जो जागृत करेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि सनातन शक्ति हर हृदय को मजबूत और संबल बनाएगी और हर हृदय में प्रेम भक्ति का भाव उदय करके संपूर्ण राष्ट्र को एकता के भाव में पिरोएगी। अब तक कितने पुस्तकों का विमोचन कर चुकी हैं? जी मेरी साझा संग्रह काफ़ी आ चुकी है, लेकिन मेरी एकल स्वरचित पहली पुस्तक है सनातन शक्ति। वास्तव में ये कल प्राण प्रतिष्ठा होना है और आज आप सनातन शक्ति नामक पुस्तक का जो आपने विमोचन किया, ऐसे क्षणों में आप समाज में क्या संदेश देना चाहती हैं? जी कल श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और उसी का भगवान का आशीर्वाद है सनातन शक्ति, क्योंकि बहुत खुशी है। मैं पिछले ही वर्ष, अभी एक साल हुआ है, इस पुस्तक का लिखित कार्य भी संपन्न अच्छे से शायद नहीं हुआ, फिर भी भगवान की अनुकंपा ऐसी रही। जैसे ही मैं अयोध्या परम धाम से आई तो मेरे मन में भक्ति का भाव उदय हुआ और भगवान राम पर समर्पित अनेक रचनाओं का संकलन किया गया, तो उसी को संकलित करके भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त पर मैं अयोध्या धाम श्री रामलला के चरणों में सनातन शक्ति को समर्पित करती हूँ और हर हृदय राम भक्त को मैं निवेदन करती हूँ कि सनातन शक्ति अपने पास अवश्य रखे। यह एक ऐसा बीज है जो आने वाले समय में हर हृदय में भक्ति का भाव लाएगा, हर हृदय में प्रेम का संचार करेगा और हर हृदय को मानव को जीना सिखाएगा कि हमें राम के आदर्शों पर, हमें राम नहीं बनना उनके आदर्शों पर चलना होगा, हमें राम नहीं बनना बल्कि उनके आदर्शों पर चलना होगा। झूठे बेरों का भी जब सम्मान हृदय में आएगा, सच तभी से प्रेम का संचार हो जाएगा। रामायण हमारा पूरा जीवन दर्शन है, उसी वही हमारी प्रेरणा है और वही उसी की प्रेरणा से ही सनातन शक्ति का उदय हुआ है। भगवान राम हमारे सर्वे सर्वा हैं और उन्हीं की अनुकंपा से हमें है अनुपम दिव्य शरीर मिला और उनके चरणों की प्राप्ति के लिए ही हमें अनेक रास्ते ऐसे सुगम बनाने चाहिए जो हमें उस परम तत्व के साथ जीने का। शंकराचार्य कह रहे हैं कि मंदिर वास्तव में अभी अपूर्ण है और विकलांग है, इसे आप कैसे देखती हैं? मंदिर पूर्ण है, विकलांग भी नहीं है, बल्कि जो भावनाएं उनके साथ जुड़ के कार्य करिए वह उसको संपूर्णता प्रदान कर रही है और उसमें भगवान राम का आना, भगवान रामलला का प्रतिष्ठित करना वास्तव में मानव हृदय के दोगुना संचार करता है, प्रेम का दोगुना संचार करता है और इस बात को उद्रेक करता है कि श्री रामलला जी आए हैं, सभी के भावों को संबल प्रदान करने आए हैं ताकि वह अति उत्साह से अनेकों अनेक राम निर्माण कार्य, देश निर्माण कार्य करें। और यह मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। आज मेरे नेत्र सजल हैं, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अपने आप ही एक दिव्य
अनुभूति हो रही है मुझे कि हमारे रामलला जो वर्षों से इंतजार था, कठिन तपस्या के बाद यह दिव्य दर्शन हमारी आंखों को देखने को मिला। हमारे भारत वंशियों ही नहीं बल्कि पूरे विश्व आज श्री राम की जय जयकार कर रहा है। हम बहुत गौरवान्वित हैं। कल दिवाली